नमस्कार, ताजा अपडेट के साथ मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं TV20 न्यूज। अपने अपने क्षेत्र की खबरें देखने के लिए बने रहिए मेरे साथ। अब शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। नमस्कार, TV20 न्यूज पर फटाफट खबरें जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर विधानसभा निर्वाचक नामावलियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान को लेकर मतदाता सूची पुनरीक्षण करने के लिए मतदाता पुनरीक्षण अभियान 29 अक्टूबर 2024 से चलाया जा रहा है। मतदाता पुनरीक्षण अभियान के तहत आज शनिवार को समस्त तहसीलों के सभी बूथों पर विशेष दिवस का आयोजन किया गया। इसी क्रम में जिला निर्वाचक अधिकारी जिला मजिस्ट्रेट श्री नवनीत सिंह चहल ने आज विधानसभा सगड़ी के अंतर्गत उच्च प्राथमिक विद्यालय जीएनपुर में बूथ का स्थलीय निरीक्षण कर मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य की जानकारी ली तथा संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश भी दिए। इसके साथ ही उन्होंने फॉर्म 6, 7, 8 के बारे में जानकारी ली। जिला अधिकारी ने बूथ पर मौजूद BLO से अब तक भरे गए फॉर्म 6, 7, 8 तथा डोर टू डोर सर्वे की स्थिति की भी जानकारी ली तथा आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि 1 जनवरी 2025 को जो युवा 18 वर्ष की आयु पूर्ण करें उनका नाम मतदाता सूची में अनिवार्य रूप से दर्ज किया जाएगा। इसके साथ ही जो लोग मृतक हो गए हैं या जो लोग बाहर हैं उनका नाम मतदाता सूची से हटा दिया जाए। उन्होंने BLO को निर्देशित करते हुए कहा कि मतदाता पुनरीक्षण विशेष अभियान दिवस पर सभी बूथ खुले रहने चाहिए और मतदाता पुनरीक्षण कार्य को निष्पक्ष एवं सुचारू ढंग से सम्पन्न कराया जाए, जिससे 18 या उसे ऊपर के कोई भी मतदाता का नाम सूची से छूटने न पाए। निरीक्षण के दौरान अपर जिलाधिकारी प्रशासन श्री राहुल विश्वकर्मा, अपर जिलाधिकारी सगड़ी सहित अन्य संबंधित उपस्थित रहे।